हेलो सर, लॉन्च जेटी की तरफ आ रही है। बोट जेटी की तरफ जा रही है सर। सब ठीक है, चलो सवार ऊपर ले आओ। देखो बॉस आ रहा है। सब सामान आ गया? जी हाँ। ठीक है, ले आओ वहां। ओके बॉस। इंस्पेक्टर। यस सर। उनका सारा माल उतर चुका है, अब तुम चारों तरफ से उनको घेर लो। ओवर। ओके सर।
तुम्हारी छह की छह गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हारा ड्रामा भी खत्म हो चुका है। ये मेरा डिस्को पैलेस है। डाटो सुन। वेरी गुड, वेरी नाइस। आई सी। मैं चाहता हूँ सिप्पी मुल्क के हर कोने कोने में ऐसे डिस्को पैलेस खोल दूं। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों का दिल जीतने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं होती। यहां सिर्फ नौजवान दिल नाचेंगे ही नहीं बल्कि चरस और गांजे के धुएं में खो भी जाएंगे। बॉस, बॉब पकड़ा गया। वो पुलिस स्टेशन तक किसी हालत में नहीं पहुंचना चाहिए। यस बॉस। फूलों से इतनी मोहब्बत, कभी कभी इस कांटे पे भी मेहरबानी कर दिया कीजिए। इस खुशी की एक्टिंग का मतलब है आज कोई केस जरूर बिगड़ गया है। ओहो, आपको तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होना चाहिए था क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा है सच कहा है और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहा। और सच ये है कि आज के शूट आउट में बॉब क्रिस्टो की गाड़ी को ट्रक का धंधा करने वाले लोगों ने धड़ा धुड़ा दिया। ब्लास्ट में मर गया कमबख्त। मेरा अपना ख्याल है कि तमाम ट्रक का धंधा करने वाले लोगों को मौत की सजा देनी चाहिए। अपने इस कानून का स्कूल बंद करो जी। कोई और बात करो ना मिस्टर सक्सेना। ओके मिस्टर सक्सेना, कोई और ही बात करता हूँ। आपके देवर सर्वश्री राजेश कुमार सक्सेना जी का खत आया है। एक लाइन खत के लिए उन्होंने 50 पैसे का लिफाफा बर्बाद कर डाला। कब सुधरेगा लड़का कुछ समझ में? घूरने की जरूरत नहीं है,
साहबजादे बहुत जल्द बंबई तशरीफ लाने वाले हैं देवी जी। 12, 20, 25, 25, 27, 16, 16, 21, 21, 23, 23, 25, 25। तुम हर वक्त हिसाब ही लगाते रहते हो और मैं वहाँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। वहाँ किस लिए? चलो और खुद ही देख लो। राजू मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है और कई दिनों से तुमने मुझे खाना भी नहीं खिलाया। मेरी जेब में सिर्फ 30-32 रुपए हैं और बॉम्बे जाना है भैया भाभी को मिलने के लिए। अच्छा तो पहले खाना ऑर्डर कर चुकी हूँ। मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं। वैसे मैनेजर मेरा वाकिफ है। तो भी ठीक है। जी नहीं, उसकी एक कंडीशन भी है। क्या? यही कि महीने भर इस होटल में बर्तन साफ करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें अगले महीने इसी तारीख को यही मिलूंगी। अच्छी जबरदस्ती है। मैं पूछ सकता हूँ आज मुझसे खाना खाने का ख्याल क्यों आया? यार डोंट बिहेव लाइक अ कंजूस मक्की चूस। लाओ डायरी लाओ। ईमानदारी से लिखना। अरे जहाँ इतना उधार लिया है वहाँ थोड़ा और भी ले लो ना। ये लो 200 रुपए। वेटर को बिल खुद ही दे देना। चलो खाना शुरू करो। मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख लगेगी, 970 रुपए जो चढ़ गए हैं। तुम्हें जो खाना है जल्दी खाओ, कॉलेज जाना है, वहाँ फंक्शन है।
सीमा खुल जाए, यार हमारा मिल जाए, यार हमारा मिल जाए। ये है तो शराफत है, ये है तो मोहब्बत है, इसके साथ जमाना है, इसके साथ ही जन्नत है, इसके साथ ही जन्नत है। यही है इज्जत, यही है शोहरत, यही है इज्जत, यही है शोहरत, ये है सबको प्यारा, यही है सबको प्यारा, यही है उल्फत, यही इबादत, ये है खुदा हमारा, ये है खुदा हमारा। अरे और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं, ये तो है रुपया, 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 गोल गोल चांद सा रुपया, खिड़की खिड़की झांकता रुपया, मिस्टर राजेश सक्सेना। मान गए उस्ताद, मान गए। यार तुम्हें रुपयों का तजुर्बा नहीं, मगर क्या गाना गाते हो रुपयों के बारे में। वाह, मान गए आज, बहुत अच्छे। और आज मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी बेफिक्र हो गया। नाच गा के खा कमा लोगे। तुम तो इतना भी नहीं कर सकते मिस्टर, एन ओनली सन ऑफ एन एक्स मिनिस्टर। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो ऐसे रियल फ्रेंड ये सोच के खुश हो रहा था कि मेरे दोस्त राजेश सक्सेना का भविष्य, वो क्या कहते भाषणों के भाषा में, हाँ, कि मेरे दोस्त राजेश सक्सेना का भविष्य उज्जवल है, ब्राइट। मेरा भविष्य तो छोड़, लेकिन इस वक्त मैं तेरा भविष्य बता सकता हूँ, समझे? राजेश छोड़ो भी, चलो ना, क्यों इसके मुंह लगते हो। अच्छा आप कहाँ चलने का इरादा है? भैया और भाभी को मिलने बॉम्बे। अरे भाभी, आपका निशाना तो कमाल का ही हो गया। अरे हमेशा ही से कमाल का है, निशाना सही न होता तो तेरे भैया का मैं शिकार कैसे करती। हाँ ये हंसी जरूर मुझ पे है। नमस्ते भैया। देखा कल के गए अभी आए हैं। भागते भागते हालत खराब हो गई, उसी में देर हो गई। एक फोन नहीं कर सकते थे? क्या करूँ देवी जी, भारत सरकार ने अभी तक जंगलों में टेलीफोन बूथ नहीं लगवाए। आप डांटना बंद कीजिए और चाय पिलाइए, थका माना आया हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? भगवान ने चाहा तो फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। बस भैया आप ही के आदर्श पर चल रहा हूँ। अरे ये मेरे आदर्श नहीं है राजू, ये आदर्श तो इनकी देन है जिन्होंने मुझे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने में मदद की। आज की शताब्दी में भगवान से इतना मिलता जुलता आदमी और कोई है ही नहीं। तुम इन्हें अपना आदर्श बनाओ राजू, इनकी तस्वीर अपने कमरे में जाकर टांगो। आज हिंदुस्तान में इनके अलावा दूसरा कोई सही नेता मुझे दिखाई नहीं देता। सही बात तो ये है कि तनख्वाह पे जीने वालों की मुसीबत है। नहीं नहीं बस, और ले लो ना। नहीं पेट भर जाएगा, वैसे भी मैंने खाना कम कर दिया, ज्यादा खाऊंगा तो नींद आएगी और मुझे पढ़ाई करनी है। खाने के साथ साथ अगर आप अपना खर्च भी थोड़ा कम कर देंगे तो कोई बुरी बात होगी? मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना, आप चाहे लाख डांटे फटकारे घूर कर देखें, लेकिन मैं सच कहने से नहीं चुकूंगा कि इसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इसका बड़ा भाई रिश्वत नहीं लेता है। रिश्वत नहीं, रिश्वत लेता। तो नहीं लेते, लेकिन खतरे जरूर मोल लेते हैं। हाँ ये भाभी ठीक कह रही, तमाम पुलिस वालों के हिस्से के खतरे आप क्यों मोल लेते हैं? आचार्य जी ने जो सारे खतरे इनके राशन कार्ड में लिख दिए हैं, तो इनकी बातों पर ध्यान मत देना। जब पैसों की जरूरत पड़ेगी मुझे चुपके से लिख दिया करना, मैं भेज दिया करूंगी। शाबाश, इसी बात पे कहिए कि लक्ष्मी देवी की जय। अशोक आज मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाता हूं। एक बार किसी अपोजिशन लीडर ने मिसेस इंदिरा गांधी के बारे में कहा था कि कांग्रेस आई में वो अकेली मर्द है। वैसे ये लड़की सुषमा अकेली तो नहीं, लेकिन पुलिस महकमे के इन्हें गिने मर्दों में से एक है।
कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो ये लड़की न ला सकती हो। एक्चुअली शी इज जस्ट एन इन्फॉर्मर, बट व्हाट एन इन्फॉर्मर। सर ऐसे ही लोग हमारी पुलिस फोर्स के लिए नाज है। यस यस सेंड हर इन। आ गई, आओ सुषमा, मीट एसीपी अशोक सक्सेना। हैप्पी टू मीट यू सर। और सुनो, आज से सारी इन्फॉर्मेशन तुम इन्हें दोगी। ओके सर। इनका टेलीफोन नंबर है 6403957। तो सर आपके लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, सिप्पी लैम्प शेड्स एंड क्यूरियोस करके एक दुकान है, वहाँ पर बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। सिप्पी लैम्प शेड्स। यस सर, क्या चाहिए? कुछ लैम्प शेड्स दिखाइए। देखिए, पसंद कीजिए। देखिए बहुत सारे लैम्प शेड हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब नहीं। वो अच्छा है, वो दिखाइए। वो सोल्ड है सर। कहाँ है? यहाँ से पसंद कीजिए। अरे देखिए, यहाँ अगर कुछ आपको पसंद आता हो तो देख लीजिए। बता, अरे ब्राउन शुगर। इस दुकान के एक आइटम की अच्छी तरह तलाशी लो और उसके बाद इस दुकान को सील कर दो। मैं एसीपी अशोक सक्सेना हूं। तुम लोग इस देश के भविष्य को जहर खिलाकर मार रहे हो। अफसोस कि यहां इस जुर्म की सजा मौत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर करता हूं। ये झापड़ बहुत महंगा पड़ेगा सक्सेना साहब। हमलावर इस लोग नहीं है, हम लोग हेविली प्रोटेक्टेड हैं। शो मी योर प्रोटेक्शन यू बास्टर्ड। नमस्ते अशोक सक्सेना जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जी। नमस्ते, नमस्ते। आप? मैं धीरू भाई। कल वो आपने सिप्पी लैम्प शेड पर रेड मारी थी। ओहो, आई सी। देखिए, जब तक जुर्म साबित न हो जाए आदमी को बेगुनाह माना जाता है, और बेगुनाह आदमी को कुर्सी पे बैठाना हमारा कर्तव्य है। आफ्टर ऑल हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं ना। बैठिए। धन्यवाद। तो आप सिप्पी लैम्प शेड्स के मालिक हैं? अरे नहीं नहीं अशोक जी, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो देशभक्त आदमी हूँ। क्या है, हमारे पिताजी को देशभक्ति का बड़ा शौक था। कई बार जेल यात्रा की उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि ये जो देशभक्ति है मुझे विरासत में मिली है। अब भला मुझे उनसे क्या लेना देना। और ये जो स्टोर के मालिक है ना सिप्पी सेठ, वो मेरी पत्नी के सौतेले भाई हैं। दूर का साला है, अमेरिका में रह रहा है 4 साल से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आपने जो आदमी पकड़े हैं ना, वो तो बेचारे नौकर हैं, बेकसूर। माल कहाँ से आता है वो भी उनको पता नहीं है। ओहो, फिर तो मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। यही तो बोला मैंने अपने वकील साहब से, मिस्टर अशोक सक्सेना पुरानी मिट्टी के बने हैं। जब वो सच जानेंगे बड़े शर्मिंदा हो जाएंगे। वही हुआ ना। अरे क्यों नहीं सेठ जी, मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। ये क्या फरमा रहे हैं आप? मैं आपको मांगने दूंगा ही नहीं। अरे गलती तो इंसान से ही होती है। मैंने साहब एक फिल्म देखी थी अपने लड़कपन में, क्या नाम था, हाँ चित्रलेखा। क्या गाने ठोके थे सॉन्ग राइटर, वाह 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 वाह। तुम जाओ बड़े भगवान बनो, तुम जाओ बड़े भगवान बनो, इंसान बनो तो जाने, हम पाप करे दूर हटे।
तुम पाप करो तो माने। आगे दीजिए साहब। एक बात और सुन लीजिए धीरू से, अगर अदालत ने आपकी बात मान ली तो फिर मैं माफी मांगने आपके घर ही आऊंगा। फिर वही बच्चों वाली बात। पिछले हफ्ते अशोक साहब दिल्ली गया था एक शादी में, तो गृह मंत्री के प्रिय मित्र। किसके? होम मिनिस्टर। आई सी। उनके प्रिय मित्र श्री लोकनाथ स्वतंत्र एमपी, उनसे भेंट मुलाकात हुई, थोड़ी देर वार्तालाप चली। वो भी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, पिछले चुनाव में मैंने उनको थोड़ा चंदा दिया था। कितना? 5 लाख। तो मैंने उनसे कहा कि भाई लोगों, ये बड़ी अचरज की बात है कि अशोक सक्सेना जैसा काबिल और ईमानदार ऑफिसर अभी तक पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं बना। तो मुझसे बोला बनवा देंगे, गृह मंत्री से कहकर बनवा देंगे। अब अशोक जी, ये तो मैंने अपनी तरफ से जो करना था वो किया। अरे राम 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 राम। अब आपकी तरफ से जो सेवा करने को कहो वो भी कर दूंगा। धीरू से, वो क्या नाम बताया था आपने, वो दिल्ली वाला? लोकनाथ। हाँ, लोकनाथ स्वतंत्र एमपी। आप उनको मेरी तरफ से एक मैसेज दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी गौर से सुन लीजिए, मैं बिकाऊ नहीं हूं और ना ही दिल्ली के कनेक्शन का मुझ पर कोई रोक पड़ता है। आपको जो कुछ भी कहना हो श्रीमान जी, कोर्ट में कहिएगा और अब आप जा सकते हैं। आउट। अदालत में भी आदमी ही काम करते हैं श्रीमान अशोक सक्सेना जी, और आप जिस कुर्सी पे बैठे हो ये कुर्सी भी कोई देवताओं के लिए नहीं बनी है, आदमी के वास्ते है। कहने का मतलब यह है, आदमी बनो, गलती करना सीखो, नहीं तो कुर्सी है सरक जाएगी। नेताजी, उसने तो धीरू भाई से रिश्वत लेने से इनकार कर दिया है। आप हंस रहे हैं? हाँ, अपने आप पर हंस रहा हूं, लेकिन इस हंसी का मतलब तुम नहीं समझोगे। तो जाने दीजिए, आप किसी भी हालत में उसका कहीं और ट्रांसफर करवा दीजिए। ट्रांसफर कराने से क्या होगा, एक तो होगा भी नहीं, अगर हो भी जाए तो जहां जाएगा वहां के शरीफ लोगों को परेशान करेगा। तो क्या करें? हर आदमी में कोई ना कोई कमजोरी होती है सिप्पी, जैसे दान और दया करण की कमजोरी थी, उसी में मारा गया। अशोक की दो कमजोरियां हैं, उसकी पहली कमजोरी है उसकी पत्नी शोभा। तो फिर क्या किया जाए? उसकी इस कमजोरी की गली में घुसकर देखो जरा। जय हिंद। जय हिंद। क्या बा? डाडो सुठो। वरी नेताजी कह रहे हैं कि उस खाकी वर्दी वाले की दो कमजोरियां हैं, पहली कमजोरी है उसकी धर्म की पत्नी शोभा। नमस्ते जी। कौन है तुम लोग? नमस्ते जी। हाँ, आप उनको सक्सेना साहब ने भेजा है, हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। ओह, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, इन कॉकरोच ने तो नाक में दम कर रखा है। वो रूम से शुरू कीजिए। चलिए, जरा ठीक से दवा मारना।
अपने सक्सेना को बोल देना कि सिप्पी लैंप के आदमियों को छोड़ दे, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। भाभी, भाभी, अरे ओ भाभी। राजू, भाभी, भाभी, ये सब किसने तुम्हारी हालत की? तुमने उन लोगों को बाहर जाते हुए देखा होगा ना? मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाभी। तुम सिर्फ पहचान लो, मैं उन सबको मार डालूंगा। ये क्या हो रहा है? अरे ये खून, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये खून क्यों? मेरी भाभी का खून क्यों? आपकी ईमानदारी की सजा मेरी भाभी क्यों भुगते? राजू, मुझे डांट लेने से मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। आपको दुश्मन बनाने का शौक है तो बनाइए, लेकिन आपके दुश्मन हमारे घर तक क्यों आए जहाँ मेरी भाभी अकेली रहती है? आपके फर्ज को मेरी भाभी की जान खतरे में डालने का कोई हक नहीं है। राजू, मुझे इतना कमजोर मत समझ कि कुछ गुंडे मेरे लिए खतरा बन सके। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, इन्हें अपने कर्तव्य की रक्षा करने दो। आपकी रक्षा करना भी इनका फर्ज है। मैंने तो इन जैसा पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। कहने को बड़े ईमानदार हैं, और ये खून है इनकी ईमानदारी का इनाम। क्यों? इन तीनों को लेकर आओ, चलो बाहर निकलो। किसके इशारों पर तुम लोग काम करते हो? कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे घर पे हमला किया? बोल। खाना सामने रखा और तुम अब तक खा नहीं रहे हो, क्यों? ये खाना राजू का है। राजू? राजू ने अब तक खाना नहीं खाया? वो खा ले तो मैं यहाँ क्यों बैठी रहती? कह रहा था थप्पड़ से ही पेट भर गया। हो, यानी कि उसकी बेहूदगी पर मैं उसे मार भी नहीं सकता। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये भी कह रहा था आज पहली बार पिताजी बहुत याद आ रहे हैं। राजू, भैया आप गुस्से में की हुई बातों का इतना बुरा मान गया तू? अरे कभी बड़े भाई से भी गलती हो सकती है। एक वक्त की रोटी नहीं खाकर तू मुझे सारी उम्र की भूख दे रहा है। भैया, ले तोड़ दे इस हाथ को जो तुझ पे उठा, तोड़ दे इसे। जिसने बाबूजी के दिए हुए वचन को तोड़ दिया। राजू, मुझे माफ कर दे, कहे तो मैं तेरे। भैया, ये क्या भैया, झुककर सारी दुनिया के सामने मेरा सर झुकाना चाहते हैं? भड़ों की मार तो
नसीब वालों को मिलती है। मैंने जो आपका अपमान किया था उसी की सजा अपने आप को दे रहा हूं। चला खाना खा ले। और ये देख अचार और पिनिया है, अकेले ही खाना, ऐसा ना हो कि दोस्त लोगों को एक ही दिन में चटा दे। हाँ? नहीं चटाऊंगा भाभी। अपने खाने पीने का ख्याल रखना। रखूंगा भाभी। और सुनो, पढ़ाई की धुन में ज्यादा देर तक मत जागना, 10-10:30 बजे तक सो जाया करना। हाँ? सो जाऊंगा भाभी। अरे भाई वो मुट्ठी वाली चीज भी इसे दे दो ना, मैं अपनी नजर उधर कर लेता हूँ दूसरी तरफ। अच्छा भाभी, अच्छा भैया। हेलो अंकल। हाय श्याम। कम ऑन कम ऑन। नमस्ते आंटी जी। लाइक टू हैव अ जिमलेट? ओह नो थैंक यू, नो थैंक यू। अरे कम ऑन, इट्स अ हॉलिडे, हैव इट। और सोडा। थैंक यू अंकल। रेनू कहाँ है? मेरे ख्याल से शॉपिंग पे गई है। क्यों भाई, कोई जरूरी है कि जब भी तुम हमारे घर में आओ रेनू से ही मिलने आओ? अरे हम मियां बीवी भी तो तुम्हारे डैडी की कंस्टिट्यूएंसी में वोटर्स हैं। अंकल आपने पॉलिटिक्स की बात निकाली है तो ये बताइए, सोशलिज्म के बारे में आपकी क्या राय है? सोशलिज्म मेरे ख्याल से तकरीर के लिए, भाषण के लिए अच्छा है। तो अंकल ये बात रेनू को भी समझा दीजिए ना, चुनाव के टाइम पे तो डैडी भी झोपड़पट्टी का चक्कर लगाया करते हैं, मगर सोशल लाइफ में अपने ही सोशल स्टेटस के लोगों से मिलना जुलना चाहिए ना। मगर वो महात्मा गांधी बने हरिजन बस्ती का डेरा जमाए हुए है। हरिजन बस्ती? नॉट एक्चुअली आंटी, ये तो सिर्फ बात कहने का तरीका था। मिसाल के तौर पे वो मुझसे तो कतरा जाएगी, लेकिन राजेश जैसे एरो गैरों से मिलना उसके लिए। देखो श्याम, तुम मेरी फिक्र में दुबले होना छोड़ दो। रही बात कि मैं एरे गेरे लोगों के साथ मिलती हूँ तो। मगर बेटे। जस्ट अ सेकंड पापा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मिस्टर श्याम, मैं एरे गेरे लोगों के साथ नहीं मिलती, मैं सिर्फ शरीफ लोगों के साथ मिलती हूँ। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मिलना बराबरी वालों के साथ ही चाहिए। मिनिस्टर बनने से पहले तुम्हारे डैडी LIC में लोअर डिवीजन के क्लर्क थे, तब तो सोशली स्पीकिंग तुम भी इस लाइक नहीं कि तुमसे मिला जाए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, राजेश का भाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है और उसके डैडी IG थे। वो एक बड़े आदमियों के खानदान से है मिस्टर श्याम। बाय। We'll be right back.
पे मरते हो, कैसे जिया करते हो। क्या हुआ फिर वही सपना कि तुम सड़क पे नाच गा रही थी, राजू अपना पानी में डूब रहा था, तुम्हें तैरना नहीं आता था, फिर भी कूद गई तुम उसे बचाने। पिताजी ने तुम्हें रुपए देने चाहे, तुमने रुपए लेने से इनकार कर दिया, फिर क्या था, पिताजी तुम्हें दुल्हन बनाकर घर ले आए, यही सपना था ना। सच, अगर आप और पिताजी मुझे इस घर की शोभा नहीं बनाते तो मैं सिर्फ नाम की ही शोभा बनकर रह जाती और न जाने कहां कहां भटकती रहती। आज पिताजी जिंदा होते तो मैं दिन रात उनकी सेवा करती। अरे पगली, वो एक सच्चे पुलिस ऑफिसर थे, देश की सेवा में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। मैं उन्हीं के और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं और चाहता हूं कि अपना राजू भी यही रास्ता अख्तियार करे। राजू की आप फिक्र मत कीजिए, अपना राजू आपके और पिताजी के नाम को चार चांद लगा देगा। क्या बात है, हवा की तरह लहरा क्यों रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, आज तुम्हें डैडी ने चाय पे बुलाया। चाय पे? अरे नहीं नहीं, ये फिल्म मैं साउथ हॉल में देख चुका हूँ। अरे मार क्यों रही हो, चाय पे बुलाया ना, घर पे आके पी लूंगा। लेकिन आप अपना गुस्सा घर छोड़ कर आना। क्यों? मेरे डैडी मुझे बहुत चाहते हैं, वो बहुत स्वीट हैं, उनकी बात का ठीक ठीक जवाब देना। और कुछ? आई लव यू। प्यार इज अ वंडरफुल थिंग, हालांकि मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं क्योंकि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी। क्यों जी? इसलिए मैं प्यार करने वालों से बहुत जेलस फील करता हूं। आजकल के लड़के प्यार ज्यादा करते हैं और शादी कम, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि तुम शादी भी करना चाहते हो। चाहते हो ना? जी हाँ सर। मोहब्बत वन साइडेड, एक तरफा को मैं नहीं मानता। कहती है गंदे अंधेरे घरों में रहो, कहती है कार को गोली मारो, बसों के क्यू में खड़े रहो, कहती है तरसो एक एक चीज के लिए। रियली लव इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। मोहब्बत वोहब्बत तो समझे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरी बेटी को क्या दे सकती? आई मीन अंधेरे घर, बसों की क्यू, खराती अस्पताल एटसेट्रा एटसेट्रा के सिवा। आई अंडरस्टैंड सर। गुड। अब भाई खड़खड़ क्या करो, कुछ खाओ पियो। मैं आपका मतलब समझ गया हूं सर। पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप मेरी मोहब्बत को खुद कर्ज नहीं पाएंगे।
अगर पैसा आपके लिए प्यार से ज्यादा जरूरी है तो आई गेट इट, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं अपनी पूरी तकदीर तो नहीं पढ़ पाया लेकिन मेरी तकदीर में रेणु का नाम बहुत साफ साफ लिखा है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। You have been very mean, Papa. जो चीज बेटी को देनी चाहिए थी वही नहीं दी। हेलो, मैं राजू बोल रहा हूँ। अरे राजू, कैसा है तू? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। हे भगवान। ना ना, वैसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? भाभी, भैया को मत बताना, मुझे 970 रुपए की सख्त जरूरत पड़ गई है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। हाँ, तू अपना ख्याल रखना। राजू, तुम 3 दिन से कहाँ लापता हो? ये तो बड़ी ज्यादती है तुम्हारी। डैडी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? गुस्से की बात नहीं है रेनू, पैसों की बात है। ये नोट ही असली चीज है। इंसान, भगवान, सब इस कागज की पुड़िया में बंद है। अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हारे डैडी थोड़ी ऐसी बातें कर सकते थे। डायरी निकालो, पूरे 970 रुपए हैं, हिसाब बेबाक हुआ। आज बड़े मालदार हो, इतने नोट कहां से आए पार्टनर? मेरे पास तो एक ही बैंक है, भाभी रिजर्व बैंक। वो ऐसा बैंक है रेनू जिस काउंटर पर कोई चेक बाउंस नहीं होता। उनके पास तो पैसे नहीं होंगे और भैया ने दिए नहीं होंगे तो उन्होंने शायद अपने कंगन बेचे होंगे। कंगन? उनके पास और कुछ बचा भी नहीं होगा। तुम भाभी के कंगन बिकवाकर यूं मेरा कर्ज उतार रहे हो? मुझे जलील करने के लिए और कोई नई तरकीब नहीं सूझी तुम्हें? मैं सूद पर पैसे चढ़ाने का काम नहीं करती मिस्टर राजेश सक्सेना। मैं तो तुम्हें इसीलिए पैसे देती रही कि अल्टीमेटली मुझे तुम्ही के साथ शादी करनी है। सूद समेत वापस लूंगी, होटल में बिल अदा करती तो तुम्हारी बेइज्जती होती। तुमने मुझे समझा क्या है? भाभी के कंगन बिकवाकर मुझे ये पैसे दिखा रहे हो? ये लो रुपए, फौरन तार से भाभी को वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नमस्ते सिप्पी साहब। नमस्ते। How I hate my friends. कमबख्तों को यही नाम मिला रखने के लिए, पटवर्धन। मैंने कहा था ना, रोते को हंसाना पटवर्धन बाबू के बाएं हाथ का खेल है। इसी बात पर मुझे एक डाटो सुठो शेर याद आ गया। पहले उसने पट कहा, फिर उसने वर कहा, फिर उसने धन कहा, इसी तरह जालिम ने पटवर्धन के टुकड़े कर दिए। इनका नाम तो सुनो, मैं जूही धनराज। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जूही जी। जूही जी नहीं मिस्टर पटवर्धन, जूही डी। डी का मतलब है डोंकी। धनराज पुरकर। मेरे दोस्ती मुझे प्यार से पैट कहते हैं। दोस्ती हो जाएगी तो हम भी आपको पैट कहेंगे, क्यों धीरू भाई? अरे भाई मत कहो पिए। अच्छा छोड़ो, मैं अभी बिंदु पर आ जाता हूँ। बिंदु? ये बिंदु कौन? अरे बिंदु यानी के पॉइंट पर आ जाता हूँ। डाउन सब आ रहे सिंगापुर से। डाउन छू 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 छू। अरे शुगर। चुप रे। शुगर के लिए बड़ा माल खरीदने वाले हैं
तो उनके मनोरंजन के लिए कुछ प्रबंध तो करना ही चाहिए। आप अपनी लीली जी को लेकर आइए, मैं अपनी जूही डी को लेकर आता हूँ। होटल में महफिल जमा देंगे। जमा देंगे। Bye.
Yes, Tiger here. Tiger here. Tiger speaking. Hotel Seashell, Crystal Room. Tom मेरे कब्जे में है. Okay, you wait there. Sir. You bitch! You are a cat. Calling the tiger? You. Open the door. Yeah. Oh, you. You're the fruit. Out. लगता है तुम्हारे देश में माँ बहने नहीं होती, जो होती तो तुम्हारे हाथ मेरे आंचल तक पहुंचने से पहले ही जल गए होते। तू कहाँ जाता है कमीने? तुझे देख लूंगी। डाडो सुठो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। यू आर बुक्ड इन रूम नंबर 502 और ये रूम नंबर है 205 जिसके अंदर पंडित शर्मा रहते हैं, जो सिर्फ मिनिस्टर्स और ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स के हाथ देखते हैं। पुलिस तो क्या वरे, पुलिस का बाप भी यहाँ नहीं आ सकता। पुलिस का बाप नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारा बाप तो आ सकता है ना। हाँ सब तलाश लो इन दोनों की। तुम दोनों को रेप और मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करता। मर्डर? किसका मर्डर? उस मासूम लड़की का जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसका सबूत? सबूत ये टाई है जिसे तुम उठाना भूल गए थे। तुम लोग चरस, कोकीन और हीरोइन का भी धंधा करते हो। इस कमरे की तलाश लो, इस कमरे में 2.5 करोड़ का माल मौजूद है। साहब ये रहा माल। हाँ
इन कुत्तों को हिरासत में ले लो। चलो आओ। सुनो, आज फिर तुम्हारे गुरुदेव ने पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया है कि गरीबी नहीं गरीब हटाए जा रहे हैं, उनकी झोपड़ियां गिराई जा रही हैं, जलाई जा रही हैं। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया की दुर्दशा देखकर उबल पड़ते हैं। शोभा, जो भगवान फिर अवतार लेना चाहें तो शायद इन्हीं जैसे किसी रूप में आएंगे। मैं भी बेईमानी के समुद्र में डूब चुका होता, लेकिन इन्हीं के आशीर्वादों ने मुझे बचाया। हेलो, अशोक है? हाँ, एक मिनट, तुम्हारा फोन। हेलो, कैसे हो मित्र? अरे गुरुदेव, आप कैसे हैं आप? अरे मित्र, अच्छा होना ना होना तो एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है। आप बोल कहाँ से रहे गुरुदेव? होटल वृंदावन इंटरनेशनल। गुरुदेव, आप तो जानते थे मैं यहाँ हूँ, फिर आप होटल में क्यों ठहरे? अरे मित्र, नेता के भाग्य में घर का सुख कहा, समझ लो कि साल में 1.5 साल घर से बाहर रहना पड़ता है। तुमसे काम था मित्र। आगे दीजिए गुरुदेव। यदि आ सको तो अभी मेरे पास आ जाओ। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं अभी आता हूँ। मैं जाता हूँ और गुरुदेव को साथ लेकर आता हूँ। ओके। आओ आओ अशोक। नमस्ते सर। इधर मेरे पास आओ मित्र। सर आप मुझे मित्र ना कहा करें। तो क्या कहा करूं, शत्रु? कैसे हो? सर आपका आशीर्वाद है। तुम में जो पुलिस अफसर है ना, उसने तो बड़ी धूम मचा दी है। इतनी धूम भी मत मचाओ मित्र। सर समझ में नहीं आता इस देश का क्या होने वाला है। क्यों? क्रिमिनल्स को जितना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आज मिला हुआ है, उतना तो शायद अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं मिला होगा। अरे भाई, अंग्रेजों को चुनाव थोड़ी लड़ना था। तुम अपना दिल क्यों छोटा करते हो? ये देश बड़ा सख्त जान है, आज के नेताओं को भी झेल जाएगा। हाँ वो तो ठीक है सर, पर मेरे जैसे लोग क्या करें? तुम जैसे लोग कुछ कर ही नहीं सकते अशोक, क्योंकि आज तुम्हारी ईमानदारी न तुम्हारी ढाल बन सकती है न तलवार। इतनी ऊंचाई से जो चीजें कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती दिखाई दे रही है, वो जीते जागते लोग हैं। ये सब कहीं ना कहीं थोड़े या ज्यादा बेईमान है, क्योंकि आज बेईमानी किए बिना जीने का कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, जो आदमी अपनी ईमानदारी को बेचने को तैयार ना हो सर, वो क्या करे? वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जिस आदमी के पास ईमानदारी जैसी चीज है, उसे वो चोर बाजार में बेचना सीखे मित्र, वहां अच्छा दाम मिलेगा। तुम बेईमानी के अथाह सागर में हो, तैरना भी जानते हो, लेकिन जिस सागर का कोई किनारा ही नहीं, उसमें कब तक तैरते रहोगे? तैरते तैरते कभी तो थकोगे, उसी दिन डूब जाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप? हाँ, यही कहने तो मैंने तुम्हें आज यहां बुलाया है। ईमानदारी, आदर्श, इन शब्दों का अर्थ मैंने ही तुम्हें समझाया था ना, तब मैं जवान था और तुम नौजवान, इसलिए आज भी तुम्हें यह बताना मेरा ही कर्तव्य है कि इन शब्दों के अर्थ में बड़ा परिवर्तन हो चुका है। ईमानदारी किसके प्रति, आदर्श किस दिशा में, इन शब्दों के प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना मित्र अशोक। आज तुम मेरे साथ कितनी ऊंचाई पे खड़े हो, यहीं रुक जाओ, ग्राउंड फ्लोर पर रहने में कोई मजा नहीं। नहीं सर, मैं उस बुलंदी पर नहीं खड़ा रहना चाहता हूं जहां से आदमी कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। चलता हूं। और जाओगे कहां? ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा जी हाँ, मेरे हाथ यहीं से दिल्ली छू सकते हैं मित्र अशोक। टॉम और सिप्पी के छूटने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे यह धमकी धीरू सेठ से मिल चुकी है मिस्टर नारायण राव।
ये उपहार शोभा के लिए 25 लाख। मैं तुम्हारे विवाह में शामिल नहीं हो सका, बहू की मुंह लिखाई मुझ पर उधार रह गई थी, इसलिए नेकलेस 1000 आशीर्वादों के साथ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नारायण राव, बट आई एम सॉरी, जो तोहफा मैं वक्त आने पर लौटा ना सकूं वो मैं कभी स्वीकार ही नहीं करता। एक ही मुलाकात पे 2 दफा नारायण राव कहने की भूल तुम कर ही चुके हो, तो अब बात साफ साफ ही हो जाए। श्योर। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, एक हाथ बरस में इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी वर्दी की धुलाई के लिए भी कम पड़ेगी। मेरी वर्दी घर पे धुलती है नारायण राव। तुम्हारे पिता मेरे दोस्त थे, उस नाते मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूं, वरना तुम और तुम्हारी ईमानदारी के औकात क्या, तुम्हें पता नहीं अशोक सक्सेना, तुम मामूली शीशे से बने हुए एक आदमी हो, चकनाचूर कर दो। और तुम भी ये मत भूलो नारायण राव, शीशे का कोई टुकड़ा कहीं चुभ गया तो बहुत तकलीफ होगी। ईमानदारी का सबक जो तुम मुझे पढ़ाया करते थे उसे अब खुद याद करने की कोशिश करो। 70-80 करोड़ गरीब आदमियों के इस मुल्क में तुम जैसों की सजा जेल नहीं फांसी होनी चाहिए। आज से हमारी मुलाकात शिष्य और गुरु, भक्त और भगवान के नाते कभी नहीं होगी। आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हूं और तुम मेरे लिए खतरनाक मुजरिम, इसलिए तुम्हें नमस्ते किए बगैर चलूंगा। नाम मत लो इस आदमी का, आज इसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, मुझे और मैं इस बेईमान को पूजा करता हूं, इस बेईमान को। ये दुनिया एक रात है। अब ये लड़ाई लंबी खिंच गई, इसलिए फिलहाल सारा कारोबार स्थगित कर दो। कारोबार बंद करने से कुछ नहीं होगा नेताजी, मेरे ख्याल में तो उसकी छुट्टी कर देनी चाहिए। हाँ। किसी ईमानदार आदमी का कत्ल करने से डेंजरस तो कोई काम ही नहीं। यही तो मैं कहता हूँ, मगर ये लोग समझते नहीं। अरे भैया पटवर्धन, एक ईमानदार आदमी के मरने के बाद उस ईमानदारी के और हाथ पांव निकलने लगते हैं। तुम पुलिस से लड़ सकते हो पर किसी शहीद से नहीं लड़ सकते। शतरंज का असली खिलाड़ी वो है प्रिय पटवर्धन, जो आखिरी चाल सोचने के बाद पहली चाल चले, जैसे मैं करता हूं। ये शह और ये मार। ओहो ओहो, आप भी कमाल कर रहे हैं नेताजी। मैं अशोक सक्सेना के बारे में बात कर रहा हूँ और आप है कि बस शतरंज पे भाषण दिए जा रहे हैं। बस भाषण दिए जा रहे हैं आप? मैं अशोक सक्सेना की ही बात कर रहा था भ्राता पटवर्धन। एक छोटी सी बात आपसे पूछ सकता हूँ नेताजी? कहो। आप मुझे पैट नहीं कह सकते? ना। क्यों? पैट मेरे अल्सेशन कुत्ते का नाम है। और तुम अपने गुर्दों का इलाज जल्दी करवाओ, तुम्हारे हाथ पांव बहुत जल्दी फूल जाते हैं, जरा उंगली टेढ़ी करेंगे तो अशोक सक्सेना का तेल निकल आएगा। तेल नहीं नेताजी, घी। घी? हाँ। जब से मुझे दिल का रोग लगा है मैंने घी खाना छोड़ दिया। और ये चला मैं अपनी पहली चाल। राजू, अशोक सक्सेना की दूसरी कमजोरी। दूसरी कमजोरी? हाँ राजू, अशोक सक्सेना का छोटा भाई तुम्हारे साले श्याम का दोस्त।
ओके बाय बाय राजू, कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग अ फर्स्ट डिवीजन। थैंक यू। क्या यार आइसक्रीम जैसी ठंडी बात कर रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ यार। क्यों यार, सुना था कि लव एंड वॉर में हर चीज जायज, लेकिन अब ये महसूस होता है कि ये बात 100% ठीक नहीं है। रेनू को तू भी प्यार करता है और मैं भी प्यार करता हूँ। जिस तरह तुझे रेनू की खुशी अजीज है, उसी तरह मुझे रेनू की खुशी प्यारी है। लेकिन तुझमें और मुझमें फर्क सिर्फ ये है कि तू जीत गया और मैं हार गया। पर प्रेमी हूं, एक्स प्रेमी ही कह लो, और मैं ये चाहता हूं कि जहां रेनू जाए वो खुश रहे। और उसकी खुशी की पहली सीढ़ी ये है कि तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिले। हाँ, और उसका बंदोबस्त मैंने किया है। काम का कोई अनुभव? काम करूंगा तो ही अनुभव होगा ना सर, और वो किसी ना किसी जगह काम करने से ही होगा। आपको काम देने में देर लगेगी, लेकिन मुझे तजुर्बा हासिल करने में नहीं। मतलब कि तुम कंपनी के खर्च पर तजुर्बा हासिल करना चाहते हो? हर बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर आप मुझ पर इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको एक मेहनती और ईमानदार वर्कर मिलेगा। आई लाइक योर फ्रैंकनेस। ओके, ये नौकरी तुम्हें मिल गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जीजा जी, मैंने अपने डियर फ्रेंड और राइवल इन लव मिस्टर राजेश सक्सेना को नौकरी दिलवा दी। वेरी गुड, वेरी गुड। राजेश सक्सेना को नौकरी दिलवा दी गई है। लगता है शाम ने इस नाटक का पहला अंक खत्म कर दिया। तब तो दोस्तों, इंटरवल। साहेब वाले, सलाम साहब। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राजेश। ओ हेलो सर। काम कैसा लग रहा है? सर, जो काम करना चाहता है उसे हर काम अच्छा लगता है, और जो काम करना नहीं चाहता उसे कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। गुड लक। राजेश, ये चेक इस बात का प्रतीक है कि तुम जिन लोगों के लिए काम करते हो उन्हें काम को सराहना भी आता है। थैंक यू सर, मगर मैं इनाम के लालच में काम नहीं करता, मुझे ये नहीं चाहिए। हेलो, यस सर, यस सर, बट सर लाखों की रकम है, ऐसे कैसे किसी को? जस्ट अ मोमेंट सर, मुझ पर एक एहसान करोगे? आप हुक्म कीजिए सर। अपनी इस तारा की ब्रांच को अभी के अभी 3 लाख रुपए भेजने हैं। मैं पहुंचा दूंगा सर। गुड। लेकिन सर, इतनी बड़ी रकम आप एकदम से मेरे भरोसे छोड़ देंगे? आदमी को परखने में ही मैंने अपना जीवन बिताया है राजेश। हेलो सर, सॉरी फॉर होल्डिंग सो लॉन्ग सर। सर, वो आदमी मिल गया। जी हाँ, मेरे भरोसे का आदमी। जी हाँ, उसके हाथों में 3 करोड़ रुपए भेज सकता हूँ। जी हाँ, मैं कंपनी गाड़ी दे दूंगा। जी हाँ, यस सर। विश यू ऑल द बेस्ट।
अरे भाई ये सतारा जाने का रास्ता किधर से? साहब रास्ता तो यही जाता है आगे से लेफ्ट। शुक्रिया। अरे सेठ आप सतारा जा रहा है, हम आपको रास्ता बताता है, अपन को लेके चलो ना। अरे तुम सब तो अपना काम कर रहे हो। सेठ अपना छुट्टी का टाइम है, काम खत्म हो गया, आ जाओ। थैंक यू। बहुत कराना था श्याम भाई, मजूरी डबल मांगता है। मजूरी तो तुम्हें चौगली मिलेगी कालिया, तुम्हें पता नहीं कि आज तुमने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। अब इस बास्टर्ड राजेश को प्रमोशन मिल जाएगी और मेरे लिए कई रास्ते साफ हो जाएंगे। यू हैव अर्नड इट। मैंने हेड ऑफिस में फोन किया, मैंने कहा बिजनेस में रुपए की कोई कमी नहीं, मगर तुम जैसे ईमानदार लोगों की सख्त कमी है। और हेड ऑफिस ने तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी को देखते हुए तुम्हारे लिए एक बंगला और एक गाड़ी और तनख्वाह दुगनी कर दी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सक्सेना, आपसे मिलने कोई आई है? मुझसे? कौन है? ये इनका नाम रेनू है। तो ये रेनू जी लिफाफे में क्या कर रही हैं? जेठ जी का आशीर्वाद लेने आई है। वाह शाबाश, काम धाम करेगा नहीं, लड़की पसंद करके तस्वीर भेजी लिफाफे में, बेकार कहीं। होश की बात करो सक्सेना साहब, बेकार होगा कोई और। मेरे राजू को तो बंगला कार नौकर चाकर सब कुछ मिल गया है। ये चिट्ठी पढ़ो। अरे चिट्ठी क्या पढ़ना है, नौकरी कल मिली और आज बंगला नौकर चाकर सब कुछ मिल गया। गुड इवनिंग सर। आप भी नहीं पहचाना सर, मैं राजेश हूँ। Sit down. Thank you. आपको याद होगा सर, उस दिन आपने मुझे कहा था
कि आपने तो मोहब्बत की नहीं, इसलिए आपको यह नहीं मालूम कि मोहब्बत चीज क्या होती है। तो आज मोहब्बत की बात नहीं होगी सर, मैं आपसे सिर्फ यह कहने आया हूं कि आप मेरी मोहब्बत रेनू से किसी गंदे अंधेरे घर में रहने को नहीं कहेगी, क्योंकि आज मैं एक शानदार बंगले में रहता हूं। मेरी मोहब्बत अब रेनू को बस की क्यों में खड़ा रहने को नहीं कहेगी सर, क्योंकि आजकल मैं मर्सिडीज गाड़ी चलाता हूं। उस दिन आपने मुझे कहा था कि तुम्हारी मोहब्बत रेनू को देख क्या सकती है, इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं कि मेरी मोहब्बत रेनू को क्या दे सकती है ये तो आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी को वो सब कुछ दे सकता हूं जो आप उसे यहां अपने घर में दे सकते हैं। देखा आपका सबक मुझे किस तरह याद है, और शायद मेरी बात भी आपको याद होगी कि मैंने आपको कहा था कि रेनू का नाम मेरी तकदीर में साफ साफ लिखा हुआ है। आप आइए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप पहली बार आए हैं, कुछ ठंडा मंगवाता हूं। नहीं, लड़की का बाप हूं ना, मैं तो यहां का पानी भी नहीं पी सकता। शुरू शुरू में तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती जरूर हुई थी, लेकिन आज तुम्हें इस पोजीशन में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तुम्हारी और रेनू की मंगनी के लिए परसों का मुहूर्त निकलवा लिया है, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं अभी बॉम्बे फोन करके भाभी और भैया से पूछ लेता हूँ कि वो लोग परसों फ्री हैं या नहीं। मैं भी आज बॉम्बे जा रहा हूँ, कहो तो तुम्हारी भाभी और भैया से मिल लूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको बाकायदा मिलवाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अरे राजेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मुबारक हो, कॉन्ग्रेट्स, हार्दिक बधाई। ये टेलीफोन पर मंगनी की इजाजत लेना अच्छा नहीं। देखो, बंबई की एक बहुत बड़ी फर्म के साथ बहुत बड़े बिजनेस की बात चल रही है, ये सैंपल देकर ऑर्डर कंफर्म करना है। तुम आज ही निकल जाओ और परसों दोनों काम करके वापस आ जाओ। जी, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि तुम सीधे भाई साहब के पास जाओ, मैं पार्टी को फोन कर दूंगा, वो खुद ब खुद तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लेगी। ओके, ऑल द लक टू यू। ये सब भाभी के लिए और ये सब मेरे भैया के लिए, और ये 2-in-1 आप दोनों के लिए। इतनी ढेर सारी चीजें क्यों ले आया भाभी? इन चीजों पर धूल डालो, असली चीज तो आपने देखी नहीं। ये आप कभी इन कलाइयों को सुना मत रहने दीजिएगा। पगला कहीं का, अब मुझे इन चीजों की क्या जरूरत है? मेरी तरफ से इसे रेनू को पहना देना। ये बेटे के खरीदे हुए कंगन है माँ की कलाई के लिए। राजू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई होकर अगर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं तुमसे लेना शुरू कर दूं। पहली बार आपके और भाभी के लिए कुछ लाया हूं, इनकार मत कीजिएगा भैया। अरे इनकार करके देखें, मैं तेरे साथ पूना चली जाऊंगी। इस बॉक्स में क्या है? भाभी, कंपनी के सैंपल्स हैं, यहाँ किसी को दिखाने हैं। इसके इंडस्ट्रीज वाले है ना, उन्हीं का आदमी आकर ले जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो जल्दी से तैयार हो जाओ, चंदन टॉकीज में तेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर लगी है, चलते हैं। आप भी चलो ना। नहीं भाई, मुझे बहुत सारा काम है, तुम लोग हो। हर 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 आदमी को बीवी का हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए, हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए, घर में आते जाते ही सलाम होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए, सलाम होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। मूड में हो तो ये लक्ष्मी जी,
पर मूड में हो तो ये लक्ष्मी जी सभी सुखों की दाता, हाँ हाँ सभी सुखों की दाता, पर बिगड़ जाए तो बन जाए साक्षात कालिका माता, हाँ साक्षात कालिका माता। मर्द की हालत मर्द ही जाने कोई समझ ना पाए, इधर है बीवी उधर नौकरी बीच में झोले खाए, बेचारा बीच में झोले खाए। बीवी को संभाले नौकरियां छूट जाए रे, बीवी को संभाले नौकरियां छूट जाए रे, नौकरियां संभाले तो बीवी रूठ जाए रे, बीवी रूठ जाए। लेकिन लेकिन कुछ भी हो जाए, अरे घर को बनाए रखने को, घर को बनाए रखने को ये काम होना चाहिए, श्रीमती जी को बिल्कुल आराम होना चाहिए, आराम होना चाहिए। आराम? हाँ? आज हमारी शादी की सालगिरह थी, थी? तुम्हें घर जल्दी आना था, आना था। हम दोनों को बाहर जाना था, जाना था। किसी बड़े होटल में खाना खाना था, खाना खाना था। अब कौन बनाएगा खाना? खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू किचन। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, अटेंशन। डटड़दा 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 डटड़दा, आज ऐसा पकाऊंगा खाना ओ पूछो कैसा, आज ऐसा पकाऊंगा खाना उंगली चाटेगी मेरी जाना, ए मान जाएगी मेरी जाने जाना। डटड़दा डटड़दा, ये आटा है ये शक्कर है ये दाल है और ये चावल है, ये आलू है अदरक है मिर्ची है नींबू है प्याज है बैंगन है ककड़ी और कद्दू है, ये गाजर ये गोभी ये ताजे टमाटर, ये इसका फादर और ये इसकी डॉटर, ये केला ये केली करेला करेली, ये मूली बेचारी अकेली 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 अकेली। अरे बड़ी डोंट वरी, हम भी अकेले हैं। नाउ मेकिंग वेरी वेरी गुड डिलीशियस डिस्को फूड। ये कट 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 गया, पिट 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 गया, ये तल 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 गया, ये जल 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 गया। क्यों रे, तेरी रेनु भी इस फिल्म की तरह तुझसे किचन में तो नहीं काम कराएगी? यू मीन नौकर बीवी का? आगे मत बोलना, तू जानता है। हाँ मुझे मालूम है तुम किसकी फैन हो। अगर मैं भी उनकी तरह होता ना तो तुम भी मेरा ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ लेने के लिए मेरे पीछे घूमती फिरती। मैं समझ गया जी तुसी किदी गल कर रहे हो, धर्मेंद्र साडे पिंड दा है, बड़ा नौ कमाया जी मुंडे ने। मुंडे ने? आहो जी मुंडा ही होया ना, हुण तक हीरो आ रहा है, रब उन्हूं लंबी उम्र दे। हाँ कोई गल नहीं भाजी। कितना हुआ? 10 रुपए बीबी। अरे क्या कर रही हो भाभी, अब मैं कमाने लगा हूँ, मेरे पीछे खर्च करते करते तुम्हारे पर्स में सुराख हो गए हैं, देखो ये लो। सरदार जी इसके पैसे वापस करो। नहीं बीबी, जवान पुत्र की कमाई शगन हुंदी है, इस नोट नु मैं संभाल के रखांगा, हो सकता मेरे घर भी बरकत हो जाए। आओ। जी नहीं, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, वो पिक्चर देखने गया, आता ही होगा। राजू भाई तुम्हारा फोन। हेलो हेलो राजू,
मैं अमृतपाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अमृतपाल जी। राजू ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड हो गई है। नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन पाल साहब अपने अकाउंट्स तो क्लियर हैं। हाँ वो तो क्लियर हैं, लेकिन तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। ठीक है मैं आज रात की गाड़ी से रवाना हो जाता हूँ जी। भाभी मुझे जाना पड़ेगा, ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड हो गई है। एसके इंडस्ट्रीज के लोग आएंगे, वो सैंपल्स दे देना और परसों मंगनी के रस्म पर आप दोनों वक्त पे पहुंच जाना, भूलना नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। नमस्ते बहन जी। शोभा कॉफी बना के ला। नहीं बहन जी रहने दीजिए आप। नहीं नहीं कुछ तो लीजिए। अशोक सर ये कस्टम ऑफिसर से। हेलो हेलो। बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर पे इन लोगों को शक है कि वो स्मगलरों से जुड़ा हुआ है। अच्छा ऑफिसर इतना बड़ा है कि इनके साथ मुझे आना पड़ा। आई सी। कौन है वो ऑफिसर सर? वो ऑफिसर आप हैं मिस्टर सक्सेना। ये आप क्या कह रहे हैं? आई एम सॉरी मिसेस सक्सेना, इनके पास आपके घर की तलाशी का वारंट है। आप अकेले तलाशी ले लीजिए कमिश्नर साहब, मैं नहीं चाहती कि असिस्टेंट कमिश्नर की तंगी का हाल इन लोगों को मालूम पड़े जिन्हें हम जानते नहीं। इन्हें तलाशी ले लेने दो शोभा। इस घर में तुम्हारी ईमानदारी के सिवा है ही क्या जो तलाशी लेंगे? इन्हें अपने पति की ईमानदारी का तमाशा देख लेने दो शोभा। प्लीज गो अहेड। आइए। ये है असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सक्सेना साहब का वार्डरोब। ये देखिए हम दोनों के कितने कपड़े हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये और ये है। जबकि मामूली से मामूली सरकारी ऑफिसर के वार्डरोब इंपोर्टेड कपड़ों से भरे रहते हैं। ये है हमारा कैश बॉक्स जिसमें रुपयों की जगह राशन बिजली देवर को भेजे हुए मनी ऑर्डर की रसीदें ज्यादा है, जिसमें आने वाली तनख्वाह महीने के तीसरे हफ्ते में ही दम तोड़ देती है। और देखना चाहते हैं? आइए। ये है मेरे ससुर के जिस्म की आखिरी वर्दी जिस पर यह खून और गोलियों का हर सुराख बता रहा है कि दुश्मनों ने धोखे से उन्हें किस तरह छलनी कर दिया था, मगर फिर भी प्राण छोड़ने से पहले अपने बेटे को अपने ही रास्ते पर चलने का आदेश दिया। और कुछ देखना चाहते हैं आप मिस्टर श्रीवास्तव? यस सर। एनीथिंग एल्स? वी आर वेरी सॉरी मिसेस सक्सेना, बट सर मैंने तो पहले आप लोगों से कह दिया था कि सक्सेना बेदाग चरित्र का आदमी है। आई एम सॉरी सर, मगर इंफॉर्मेशन पक्की है। मिस्टर श्रीवास्तव प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके मिस्टर सक्सेना, इसमें क्या है? देख लीजिए। ब्राउन शुगर। सक्सेना मुझे कुछ नहीं कहना है सर, मगर ये सैंपल्स तो। शोभा सॉरी You are under arrest. Yes, sir. Can I speak to my wife for a moment, please? Sure. Thank you, sir. Shubha. Shubha, वादा करो तुम राजू के प्यार में कोई कमी नहीं करोगी। मैं मार मार के उसका मुंह लाल कर दूंगी। मैं अभी जाकर कमिश्नर से कह दूंगी कि ये सब माल उसका है। शोभा उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत तो अंधी थी, अब उसे अपने अंधे गुस्से का शिकार तो मत बनाओ। ये बात तो मैं भी उन लोगों से कह सकता हूँ कि माल उसका है। मुझे तो दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरा भाई कैसे लोगों में फंस गया है। तुम कुछ भी कहो, जिसने मेरे देवता को दुनिया की नजरों में गिराया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। भैया अभी नहीं आए। अरे आते ही होंगे, ऐसे खूंटी पर मुंह मत लटकाओ, मुस्कुराओ, मेयर साहब आ गए हैं। आइए आइए। सगाई मुबारक हो मिस्टर राजेश सक्सेना। थैंक यू। आपको थैंक यू। आइए
भाभी 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 तुम अकेली? भैया कहाँ है? भैया कहाँ है? बताती हूँ। मैं बंबई से यहाँ तुझे यही बताने आई हूँ कमीने। भाभी खबरदार जो मुझे भाभी कहा। आज जब पुलिस तेरे भाई के घर की तलाशी लेने आई थी तो तलाशी के वारंट के शमशान में तेरी भाभी की चिता जल गई। तलाशी? भैया के घर की तलाशी? तू यही चाहता था ना कि तेरा भाई रुस्वा हो, जलील हो, क्योंकि जब भी तुझे पैसों की जरूरत होती थी वो नहीं भेज पाते थे। वो इसलिए नहीं भेज पाते थे कि उनके पास पैसे होते नहीं थे। तेरा भाई सिर्फ अपनी तनख्वाह पर जीता है। तनख्वाह पर जीने वाले कैसे जीते हैं तुझे पता है? भाभी खबरदार जो मुझे भाभी कहा। हाँ मैं तेरी भाभी हूँ, लेकिन प्यार मैंने तुझे माँ का दिया है। मैं खुद माँ इसलिए नहीं बनी कि कहीं तेरी तरह से मेरा ध्यान हट न जाए। और तूने मेरी ममता की ये कदर की, मेरे मंगलसूत्र को तूने अपने काले धंधे के कीचड़ में फेंक दिया, मेरे देवता समान पति को फंसाया। मैं तुझे श्राप तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। कोकेन का सैंपल्स रखने के लिए तुझे तेरे भैया के घर मिला। स्मगलिंग करता है तू कमीने? बोल, अपने भाई को जलील करवाया तूने? धोखेबाज, मक्कार। बोल कमीने, बोल, बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं कमीने? बोल, बोल ना। ठीक है, तू अपने भाई की नेक नामी की चिता पर खड़ा होकर खुशियां मना। ठहरो भाभी, कुछ मेरी भी तो सुनती जाओ। तुम्हारी ममता की कसम, इस बदनामी की दलदल से अगर भैया की नेक नामी को जिंदा ना ला सका तो फिर चाहे अपनी लाश तुम्हें क्यों ना दिखा दूं, लेकिन अपना मुंह तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। अगर जीना चाहता है तो सच बोल। बोल, तूने मेरे भैया के खिलाफ साजिश क्यों की? बोल, बोल। मुझे मत मारो राजू, मैं तो हुकुम का गुलाम हूँ। किसके? 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 उनका नाम मत पूछ, वो मुझे मार डालेंगे। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं तुझे मौत डाल। उस दिन ऑफिस में कहां से फोन आया था? मुंबई से। किसका? बोल! आपको बड़े साहब ने बुलाया है। आओ शोक, बैठो। थैंक यू सर। मेरा दिल और पुलिस डॉक सेंस दोनों ही कहते हैं कि तुम बेईमान नहीं हो सकते, इसीलिए आई एम टेकिंग दिस रिस्क। तुम्हारी जमानत मैं दे रहा हूं। थैंक यू सर फॉर योर कॉन्फिडेंस इन मी। और सुनो, ये जमानत कंडीशनल है,
अगर तुमने 30 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश नहीं किया तो मजबूरन मुझे यह जमानत कैंसिल करानी पड़ेगी। यस सर। प्लीज साइन हियर। क्या आप वही अशोक सक्सेना हैं जिसकी ईमानदारी के डंके बजा करते थे और जिसके घर से ब्राउन शुगर पकड़ी गई? ईमानदारी के फरिश्ते ने कितनी रिश्वत कमाई है मिस्टर सक्सेना? अरे यार, ऐसे लोगों को मिस्टर कहोगे तो शरीफ लोगों को क्या कहोगे? अरे ऐसे बेईमान पुलिस ऑफिसरों की वजह से पुलिस जनता में अपना भरोसा गवा बैठी है। अरे ऐसे लोगों को तो बाजार में खड़ा करके एक पते की बात तो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी कि आज मिस्टर टॉम और सिप्पी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाइज्जत लोग तो बाइज्जत ही बरी किए जाएंगे मेरे भाई। अरे कल तक तो ये भी बाइज्जत लोगों में गिने जाते थे। अर्श तक तमन्नाओं की फरियाद गई और दिल जो टूटा तो बहुत दूर तक आवाज आई। मैं आपको पीने नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। छोड़ दीजिए ना। माँ, देख रही हो माँ, मेरे देवता का क्या हाल है, फिर भी तुम उनकी सहायता नहीं करते हो। वो बदनाम हो चुके हैं और शराब के नशे में सड़कों पर भटक रहे हैं। पता है, आज उनका हाथ लगभग उठ ही गया था। मारा नहीं, पर चोट बहुत लगी माँ। मेरी सहायता करो माँ, मेरी सहायता करो। अशोक, तुम यहां शराब में डूबे हुए हो और तुम्हें अपने बेगुनाही को साबित करने के सिर्फ मियाद के 10 दिन बाकी हैं। सर, शराब खाने में मियाद की बात अच्छी नहीं लगती। मुझे डूब जाने दीजिए शराब में। भैया, भैया, थैंक यू मिस्टर राजेश कुमार सक्सेना। मैं खुद ही गिरा हूं, इसलिए मैं खुद ही संभल जाऊंगा। आप मेरा साथ देंगे राजेश सेठ, तो बदनाम हो जाएंगे इसलिए कि आपको नहीं पता मैं कौन हूं। मैं ब्राउन शुगर का धंधा करता हूं। भैया, अरे आपकी आंखों में आंसू राजेश सेठ, रोना तो मुझे चाहिए। नौकरी चली गई, इज्जत चली गई और ये दारू भी खत्म हो गए। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं राजेश सेठ, एक तस का पत्ता पकड़ा दीजिए तो गला तर कर लो। मिस्टर राजेश, गौर से देख, ये जो गिरे पड़े हैं ना, यही तेरे बड़े भाई अशोक सक्सेना हैं, जिन्होंने तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया, क्योंकि इनके पास पैसे होते नहीं थे। अरे इनके पास पैसे होते तो तुमसे दारू के लिए पैसे क्यों मांगते? धर दे इनके हाथ पे पैसे ताकि तेरा बदला पूरा हो जाए। आपकी तरफ पीट के इसलिए खड़ा हूं भाभी, क्या आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मगर भाभी भैया को यूं घर से निकलने मत दीजिए। हाँ, नहीं तो तुम्हारा भैया खो जाएगा। हाँ, अरे तुम्हारा भैया तो खो चुका है कमीने। ऐसा कर, टीवी पर इनका फोटो निकलवा दे कि तुम्हारा बड़ा भाई मानसिक रोग के कारण घर से लापता है। रंग सांवला, कद ऊंचा,
पुलिस की वर्दी में आखिरी बार देखा गया था। अरे मगरमच्छ नहीं भाऊ, डुक्कर हैं डुक्कर, काले धंधे वाले। माटी मिले काले धंधे वाले हैं। उस दिन मैंने तुझसे पता पूछा था, आज तू अपना पता बता। बोल कहाँ रहता तू? दादर। दादर बता, तू किसके लिए काम करता है? मुझे नहीं मालूम। ये ले तेरे दादर की टिकट, गाड़ी आए तो चढ़ जाना। इतना बड़ा टिकट दिए हैं, अब गाड़ी कहाँ चढ़े हैं? तुम लोगों के पीछे कौन है, उन लोगों के पते और ठिकाने बता। मुझे दूसरों का नहीं मालूम, मैं अंधेरी रहता हूँ। तू अंधेरी रहता है? अंधेरी के सिवा दूसरों का पता याद आया? ये ले अपनी अंधेरी की टिकट, जब गाड़ी आ जाए तो चढ़ जाना। अरे अब तो एक तरबूजा वाली गाड़ी चढ़ाई। अब बता तू कहाँ रहता है? बोरे का हूँ, लेकिन मुझे मत मारिए, मैं सब सच बताता हूँ। वो जो मेरे पीछे है वो सब जानता है, हमारे पीछे कौन है। अच्छा, दूरे गांव की गाड़ी उस तरफ आती है, चढ़ जाएगा ना? मैं खुद चढ़ जाऊंगा। पहले मुझे नौकरी दिलवाई, फिर अमृतपाल से मेरी तरक्की करवाई, और फिर अमृतपाल अमृतपाल को मैंने नहीं मारा। चोर की दाढ़ी में तिनका। बोल अमृतपाल को तूने गोली क्यों मारी? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? गाड़ी नहीं आ रही है, भाग रहे हैं। मुंह खोल, वरना हमेशा के लिए तेरा मुंह खुला रह जाएगा। बताता हूँ बताता हूँ, डिस्को पैलेस। आगे बोल, आगे आगे बोल, जानता है। अरे शाम, ये क्या हालत बना रखी है? अरे अरे आज तो हमारे सारे साहब की शक्ल खराब हो गई है। मजाक मत करो जीजा जी, राजू की खबर लो। राजू? हाँ, अशोक सक्सेना का भाई राजू, बहुत मारा साले ने, और पिटने से बचने के लिए मेरे मुंह से डिस्को पैलेस का नाम निकल गया। अरे तो फिर क्या हुआ? खुद ही तो बोलते थे बहुत अच्छा डिस्को डांस करता है। अरे घबराते क्यों हो, यमराज के साथ साले की जुगलबंदी करवा देंगे। Ah!
बच के हमसे आप मिलाना जरा बच के निशाना इतना अच्छा नहीं है वरना मैं डिस्को पैलेस में ही मर गया होता। बोल इस निशाने के पीछे किसका हाथ है? मैं किसी को नहीं जानता। मैं धीरू भाई का आदमी हूं। तो फिर चल धीरू भाई के पास चलते हैं। धीरू भाई पहचाना इस पिस्तौल को? क्यों नहीं, राणा की पिस्तौल है। राणा कहां है? वो जिसका शिकार करने गया था उसी का शिकार हो गया। तुम कौन हो? अशोक सक्सेना को जानते हो? हम किसी को नहीं जानते, लोग हमें जानते हैं। फिर भी हम अशोक सक्सेना के पास गए। खुद हम पर साहब अशोक सक्सेना को देवता बनने का शौक था और इस शौक के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं। सरकारी नौकरी की जमीन बहुत फिसलनी होती है, कुर्सी उल्टी हो गई ना। और यह जमीन भी बहुत फिसलनी है। देख चारों तरफ आग लग चुकी है, दोनों के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है? तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा। क्या मतलब? वो पटरा उठा कर ला जल्दी। जल्दी कर। ये लो। मार छलांग। हाँ? अरे सोच कर रहा है, मार छलांग। हाँ। अकल का दुश्मन सुना था लेकिन देखा पहली बार। पैसा नहीं तो घर जाओ साहब, ये बाहर है सेवा आश्रम नहीं। Shut up! आप भी नहीं पहचानते? हाँ, हम तो सिर्फ दो घूट शराब मांग रहे। अरे अशोक सक्सेना साहब, दो घूट क्यों, आप पूरी बोतल पीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट। पटवर्धन पैट। अरे ये मखोल करना छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ। वो राजू साला आग की तरह लपका चला आ रहा है। उससे बचने के लिए मैंने अपने घर को आग लगा दी ताकि वो जल जाए, फिर भी वो बच गया। वो किसी भी वक्त तुम्हारे घर भी पहुंच सकता है और तुम्हारे घर में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और काली डायरी भी है। बीवी को फोन करो और कागजात हटवा दो।
और तुम भी यहां से सरक लो। इसको भी अपने अड्डे पर सरका दो, क्योंकि यही हम लोगों की जान बचाने की हुंडी है। फोन। हेलो, पैट बोल रहा हूं। क्या खबर है डाली? एक बहुत बुरी खबर है, राजू किसी वक्त भी हमारे घर पहुंच सकता है, जरा ध्यान से रहना। और हाँ सुनो, वो जो काली डायरी है ना बिस्तर के नीचे, उसे निकाल कर सेफ में रख दो, और सेफ की चाबी किसी सेफ जगह पे रख देना, समझी? डोंट वरी हबी, बाय। अभी तो मैं ऐसी जगह रखूंगी जहाँ किसी का हाथ तो क्या आंख भी नहीं पहुंच सकेगी। आंखों ने तो देख लिया, अब चाबी तुम खुद मेरे हवाले करती हो या मैं? हिम्मत है तो छीन लो। दारू चाहिए? लो 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 लो। अशोक, ग्राउंड फ्लोर से फुटपाथ तक पहुंच गए, और उस फुटपाथ पे जहां तुम्हें दारू भी नहीं मिलती, इसी कारण मैंने तुम्हें समझाया था कि जीवन का अर्थ परिवर्तन है मित्र, परिवर्तन। देख लिया ना, तुम्हारे ही भाई के हाथों नष्ट किया ना मैंने। गुरु जी, दारू, दारू गुरु जी। गुरु, गुरु जी नहीं, नारायण राव कहो मित्र। अब परिवर्तन किस काम का? तुमने तो हमारे विदेशी मित्र टॉम को भी नहीं बख्शा। भ्राता टॉम, इसने ही तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाई थी ना, इसलिए इसकी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों से होनी चाहिए। मौत नहीं, शराब चाहिए। शराब, शराब। आपको शराब चाहिए भूतपूर्व कमिश्नर साहब? शराब ला, ला, ला। मैं तो अपने पास रखता हूँ देसी दारू, पहली दार का। आप तो देसी दारू पीते नहीं, इसलिए उस दिन बक्सा भर के करारे नोट लाया था। बहुत फुसला भैया, मगर भैया मान जा, मगर उस दिन भैया तो भगवान बने हुए थे, तो भूतपूर्व भगवान ये कुर्सी, वर्दी और पूंजी का कोई ठिकाना नहीं, कब सरक जाए। आप ससुर, दो घूंट दारू के लिए इतना गिड़गिड़ा रहे हो? ओ टॉम, भूतपूर्व कमिश्नर साहब को इंग्लिश पुलाव। हो, हाँ धीरू भाई, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की ट्रेडिशन तो चली आ रही है। हाँ कमिश्नर साहब, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, ये आपके पास आती है। Thank you.
तुम अपने आप को जितना चतुर समझते हो उतने तुम हो नहीं। बुढ़े ये शराबी का नाटक मैंने सिर्फ तुम लोगों तक पहुंचने के लिए किया था। अपने आदमियों से कह दो कि हथियार फेंक दे और अपने आप को मेरे हवाले कर दे। वरी कमिश्नर साहब डाडो सुठो। हाँ, पैट बोल रहा हूँ। राजू वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट वाला ब्रीफकेस लेकर चला गया है। क्या पकती हो? मैं ठीक बोल रही हूँ। रुक जाओ सिप्पी, इसका छोटा भाई तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे घर से निकल गया है, इसलिए इसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। शांत रहो मित्र, तुम्हारे गुर्दे बहुत जल्दी फूल जाते हैं। कमिश्नर साहब का छोटा भाई है, वो सौदा करने जरूर आएगा। आएगा नहीं, आ गया। ये रही तुम्हारे सौदे की पहली किस्त। शाम, यू बास्टर्ड। ठहरो बटवर्धन। बैठ। डॉक्यूमेंट्स लाए हो? पहले मेरे भाई को छोड़ दो।
बड़े बड़े 30 मार खा बनते थे हाँ। उठ बैठ नारायण राव, नेता की औलाद। भाग अरे पुलिस, डाडो सुठो सुठो सुठो। देख लीजिए सर इस बुड्ढे को गौर से, ये मेरे गुरु हैं, पूजनीय गुरु, जिन्होंने मुझे आदर्श की ऊंचाइयों पर लाके खड़ा किया, और इन तमाम लोगों के स्वार्थ की वजह से उस ऊंचाई से मुझे गिराने की कोशिश की और उस चक्कर में खुद ही गिर पड़े। क्यों बे गुरु नारायण राव, देख लिया, जीत हमेशा सत्य की होती है, सत्यमेव जयते। इन तमाम डब्बों में सर इस देश के भविष्य की मौत छुपी है, ब्राउन शुगर। सर ये रहे इन लोगों की काली करतूतों के कारनामे। सच सबसे बड़ी एक ताकत है, नेकी को बड़ी साबित करना, दुनिया की झूठी आदत है, हिरासत है, हिरासत है, ये दुनिया एक हिरासत है। पीछे मुड़, सावधान। यंग मैन सैल्यूट, गुड बॉय।